बच्चों, ऑनलाइन शिक्षण की इस श्रृंखला में आपका स्वागत है। आज हम अभ्यास सागर का पाठ 6 करेंगे। 1 से 7 प्रश्न तक हम पहले कर चुके हैं, आज हम 8वां प्रश्न करेंगे। 8वां प्रश्न है, नीचे दी गई भाववाचक संज्ञा जिन शब्दों से बनी है उन शब्दों पर घेरा लगाइए। शिशुता, इसके आगे 3 शब्द दिए गए हैं, ये देखना है कि किस से ये शिशुता बना। शिशु शैक्षिक और शाश्वत, शैक्षिक से नहीं बन सकता, शाश्वत भी नहीं होगा, और शिशु शब्द है जिससे शिशुता बना। गौरव, गुरुत्व, गर्व और गुरु, इसमें गर्व इसका आंसर होगा, गर्व से गौरव बनेगा, भाववाचक संज्ञा शब्द। अगला है बंधुत्व, बांध, बंधन और बंधु, बंधु से बंधुत्व बना। दानवता, दानवीर, दानव, दानी, दानवीर और दानी नहीं हो सकता, दानव से दानवता, भाववाचक संज्ञा शब्द बनेगा। पशुत्व का पशु, पाशविक और पाक्षिक, इसमें पहला ठीक है पशु, पशु से पशुत्व, भाववाचक संज्ञा शब्द बनता है। अगले प्रश्न में, 9वें प्रश्न में देखते हैं, नीचे दिए गए विकल्पों में से सही भाववाचक संज्ञा शब्द पर घेरा लगाइए। इसमें 3 शब्द दिए गए हैं, तीनों में हमने ये देखना है कि भाववाचक संज्ञा शब्द कौन सा है। व्यक्ति, व्यक्तित्व और वैयक्तिक, इसमें व्यक्तित्व भाववाचक संज्ञा शब्द है। विद्वता, विद्वान और विदुषी, इन तीनों में विद्वता, विधवा, विधाता और वैधव्य, इन तीनों शब्दों में वैधव्य भाववाचक संज्ञा शब्द है। ऐश्वर्य, ईश्वर, ईश, इन तीनों में ऐश्वर्य भाववाचक संज्ञा शब्द है। पुरुष, पुरुषत्व और पार्श्व, इन तीनों में पुरुषत्व जो शब्द है वो भाववाचक संज्ञा शब्द है। 10वां प्रश्न है, कोष्ठक में दिए गए शब्दों की भाववाचक संज्ञा से रिक्त स्थान भरिए। पक्षी ऊंची व लंबी उड़ान द्वारा, उड़ना से हमने यहाँ पर भाववाचक संज्ञा शब्द बनाया उड़ान, उड़ान द्वारा आकाश की सीमा खोजना चाहता है। अगला है मीरा की कृष्ण के लिए, यहाँ शब्द जो दिया गया भक्त, अब भक्त का हमने भाववाचक संज्ञा शब्द बनाया भक्ति। मीरा की कृष्ण के लिए भक्ति दिन ब दिन बढ़ती गई। नेक्स्ट है जीवन की उन्नति के लिए उत्तम, अब रहना सहना यहाँ नहीं लगा सकते, भाववाचक संज्ञा शब्द लगाएंगे रहन सहन, रहन सहन भी आवश्यक है। अगला है नरेंद्र मोदी का व्यक्तित्व किसे प्रभावित नहीं करता, तो व्यक्ति से यहाँ पर भाववाचक संज्ञा शब्द बना व्यक्तित्व। सुदामा की दीनता देख श्री कृष्ण व्याकुल हो उठे, दीन से हमने यहाँ पर दीनता भाववाचक संज्ञा शब्द बनाया है। अगला प्रश्न है 11वां प्रश्न है, गद्यांश दिया गया है और इसके नीचे कुछ प्रश्न दिए गए हैं, उन प्रश्नों के उत्तर हम इस गद्यांश में से छांट कर लिखेंगे। तो सबसे पहले इस गद्यांश को पढ़ते हैं। अहमद आज घर पर बीमार पड़ा है, उसे कई दिन से बुखार आ रहा है। उसके पिताजी ने उसे बहुत समझाया था कि बाजार की गंदी मिठाई जिस पर मक्खियां बैठती हैं मत खाया करो, पर अहमद नहीं माना। परिणाम ये हुआ कि आज जब उसके विद्यालय में वार्षिक खेल कूद संबंधी कार्यक्रम हो रहे हैं तब वह घर पर पड़ा है। आज उसकी कक्षा के विद्यार्थियों का 8वीं कक्षा के विद्यार्थियों के साथ क्रिकेट का मैच है। यदि अहमद अस्वस्थ न होता तो वह अपनी कक्षा की ओर से खेलता। कितनी प्रसन्नता होती उसे जब उसके खेल की सभी लोग प्रशंसा करते, पर बीमार लोग भला कहीं क्रिकेट का मैच खेल सकते हैं? किसी ने सच कहा है कि एक तंदुरुस्ती 1000 नियामत है। यदि हम स्वस्थ रहते हैं तो
तुम्हारा हर क्षण उल्लास से भरा होता है। इसके विपरीत यदि हम अस्वस्थ रहते हैं तो हमें चारों ओर उदासी ही उदासी नजर आती है और मन अनेक प्रकार की चिंताओं से घिरा रहता है। स्वस्थ शरीर में स्वस्थ मन का निवास होता है, इसलिए मन की प्रसन्नता के लिए शरीर का स्वस्थ होना आवश्यक है। चलिए प्रश्न उत्तर करते हैं। पहला प्रश्न है, अहमद विद्यालय क्यों नहीं गया? इसका उत्तर है, अहमद विद्यालय इसलिए नहीं गया क्योंकि वह कई दिनों से बीमार है। दूसरा प्रश्न है, अहमद के पिताजी ने उसे क्या समझाया था? उसके पिताजी ने समझाया था कि बाजार की गंदी मिठाई जिस पर मक्खियां बैठती हैं उसे मत खाया करो। अगला प्रश्न है, अहमद अगर बीमार ना होता तो क्या करता? अहमद अगर बीमार ना होता तो वह अपनी कक्षा की ओर से क्रिकेट का मैच खेलता। स्वस्थ तथा अस्वस्थ व्यक्ति का जीवन कैसा होता है? इसका उत्तर है, यदि हम स्वस्थ रहते हैं तो हमारा हर क्षण उल्लास से भरा होता है और यदि हम अस्वस्थ हैं तो हमें चारों ओर उदासी ही उदासी नजर आती है और मन अनेक प्रकार की चिंताओं से घिरा रहता है। अगला प्रश्न है, बाजार की मिठाइयों को गंदा क्यों कहा गया है? बाजार की मिठाइयों को गंदा इसलिए कहा है क्योंकि उन पर मक्खियां बैठती हैं। अगला 12वां प्रश्न है, नीचे दिए गए शब्दों के दो दो पर्यायवाची शब्द लिखिए। दिन का पर्यायवाची शब्द है दिवस और वार, उपहार के भेंट और तोहफा, रात का रात्रि और निशा, जमीन का भू और भूमि। आप ये वाले पर्यायवाची शब्द भी लिख सकते हैं और अगर आप दूसरे लिखना चाहते हैं तो वे भी लिख सकते हैं। 13वां प्रश्न है, नीचे दिए गए वाक्यों में मोटे काले शब्दों के समानार्थी शब्दों का प्रयोग करते हुए वाक्यों को दोबारा लिखिए। इसमें पहला आया है, मैं परीक्षण की प्रतीक्षा करने लगा। बच्चों, समानार्थी शब्द और पर्यायवाची शब्द एक ही होते हैं, उसमें भी शब्दों के समान अर्थ आते हैं और यहाँ भी यही लिखा हुआ है, समानार्थी शब्द। मैं परीक्षण की प्रतीक्षा करने लगा, प्रतीक्षा शब्द को मोटा करके और काला लिखा गया है, डार्क किया गया है। हमने इसी शब्द का अर्थ यहाँ पर, समानार्थी शब्द यहाँ पर लेना है। मैं परीक्षण का इंतज़ार करने लगा, हमने यहाँ प्रतीक्षा के स्थान पर इंतज़ार लगाया है। तनिक अंगड़ाई लेने की भी जगह नहीं थी, अब तनिक मतलब थोड़ी, थोड़ी अंगड़ाई लेने की भी जगह नहीं थी। इसमें प्रवेश करते ही यह घूमने लगता है, यहाँ प्रवेश शब्द आया है, इसका हम समानार्थी शब्द यहाँ पर लगाएंगे। इसमें घुसते ही यह घूमने लगता है। अगला है, इस ध्वनि से व्यक्ति पागल भी हो सकता है, ध्वनि का यहाँ पर समानार्थी शब्द लेंगे आवाज़, इस आवाज़ से व्यक्ति पागल भी हो सकता है। बच्चों, आपने इन सभी प्रश्नों के उत्तर ध्यान से सुने और आपने अभ्यास पुस्तक में ये, अभ्यास सागर की पुस्तक में ये करने हैं, पेंसिल से करने हैं और बहुत ही सुंदर लिखने हैं और याद भी करने हैं। धन्यवाद।